अहम खबर आपको दें, जुम्मे को पहले सीबीएम्स एतमाद की बहाली के निकात का ऐलान करूंगा। ये उन लोगों की तर्जुमानी करेंगे जो तहरीक इंसाफ में हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मेरी मुलाकात हुई, इसके बाद सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हालात में बेहतरी आई। आइंदा चंद दिनों में इन्हीं की तरफ से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। मुश्किलात में फंसे पीटीआई के लोगों ने मुझे बताया कि वो मुफाहमत चाहते हैं। इस वक्त जो है अलवी साहब से मिलना, इससे पहले उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। इसके अलावा कि पीटीआई के वो तमाम लोग जो इस वक्त भी पीटीआई के साथ हैं, अच्छा, वो मुफाहमत चाहते हैं। अच्छा, उनके ख्याल में जो छोड़ के गए हैं वो सिर्फ लड़ाई चाहते थे और उन्होंने लड़ाई करवा दी। वो लोग जो इस वक्त पीटी में आई में हैं, उनसे मेरा एक जज्बाती लगाव है। जिनमें अक्सर वो लोग हैं जिनको मैं खुद खान साहब के हवाले करके आया था। ठीक है जी, वो पार्टी के लोग जो इस वक्त मुश्किल में खड़े हैं या टकराव में खड़े हैं, उनसे मैंने बात की। उनका ये ख्याल था कि जी हमारी ज़रूरत और मुल्क की ज़रूरत ये है कि हमें आपस में मुफाहमत करनी चाहिए। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम मुल्क के इदारों से टकराएं, हम सियासत करना चाहते हैं। मैं जो इस हफ्ते के एंड पे प्रॉबली जुम्मे को मैं जो फर्स्ट सीबीएम अनाउंस करूंगा वो उनकी जज्बात की तर्जुमानी होगी। अलवी साहब से मेरी बहुत तफसील से बात हुई, इसी दौरान कुछ भी बात नहीं है, अलवी साहब की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और उसके बाद हालात के अंदर जो बेहतरी आई वो हमारे सामने है। आइंदा दिनों में जो एक सीबीएम हुई है उसके बाद मजीद उनकी तरफ से हालात को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो काम होगा। जिस तरह गर्द हटती जाएगी, जिस तरह गर्द बैठती जाएगी, ठीक है ना जी, उस तरह पता ये चलेगा कि लड़ाई तो हो रही थी लेकिन वजह शायद किसी के पास भी नहीं थी लड़ने की। बस कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो टकराव पैदा करके अपनी अहमियत बनाते हैं, और बास किरदार ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंड्यूस ही इसीलिए किया जाता है कि वो अगले का बेड़ा गरक करा। जब शहबाज शरीफ साहब की आपकी मुलाकात हुई जेल में और उसके कुछ अरसा बाद देखा कि शहबाज साहब निकल गए और फिर वो उन्होंने कोशिश भी की मुफाहमत और मियाँ साहब से हो भी गई और हुकूमत में भी आ गई, आपको पूरा मैंडेट हासिल है हर तरफ से। उन लोगों को जो इस वक्त फड्डा डालना चाह रहे हैं हमारे तमाम जिंदगी के हर शोबे से, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वक्त पेड़ ना गिरें आम खाएं। जम्हूरियत जो है वो फल है, तो आप इस वक्त अगर कोई भी फड्डेबाजी करते हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। शहबाज शरीफ से आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी जेल में? शहबाज शरीफ साहब का बड़ा उस वक्त भी एक क्लियर मौकफ था और अलवी साहब का भी वैसा ही पॉजिटिव था। उन्होंने कहा, देखिए मैं बेसिकली बहुत सी चीज़ों से मैं अग्री भी करता हूँ, डिसअग्री भी करता हूँ, मेरा ये ख्याल था कि आपको फौज से कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो यार मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पाबंद हूँ। मैं कहा, हमें कोई इतराज नहीं है आपकी पाबंदी पे, लेकिन हम भी तो हक बात कहने के पाबंद है ना। पहली बात यह हुई कि ये बात कहने वाला फील्ड में कोई नहीं था। मैंने मियां साहब से कहा, मैंने कहा जी अगर आपने अंपायर के सर में बॉल मारना है उससे इमरान ने आउट नहीं होना। और यही बात आप मैं अभी भी कह रहा हूं और सबका इस पे आप देखेंगे कंसेंसस पैदा होगा कि मैं खान साहब को इन सबसे ज्यादा जानता हूं, मुझे पता है वो क्या करेंगे। मैं उस वक्त बताने की मुझे जरूरत नहीं, जब चांद निकलेगा तो सब देख लेंगे। ये अगर पॉजिटिविटी का इम्कान ना होता मैं निकलता ही क्यों? सियासत में क्रॉस लगाने का अख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। इस वक्त तक बहुत बचकाना सियासत हो रही है। अच्छा नहीं लगता कि बेटा बाप के बारे में लूज टॉक करे, दोनों सियासत में हो, ये बदतमीजी है। बाप ने एक बात की है, आपका इख्तलाफ है, आप कह रहे हैं हमारे इदारे हैं, तो यार अंदर बैठ के इदारों में बात करें। गुड कॉप बैड कॉप इनकी मिसाल देते हैं शहबाज साहब, नहीं ये वो उनका और मामला। उसने हमेशा कहा भी मैं अपने भाई के मुताबिक जो कुछ कहूंगा करूंगा। अपने बाप से उसको सॉरी करनी चाहिए, उसकी वजह से तुम आज सियासत में बैठे हुए हो।
बच्चों को सीखना चाहिए, बच्चों को तमीज होनी चाहिए। सर आप अपनी कोई जमात कोई बनाएंगे या ऐसे ही? यार देखे मेरी जमात लोगों की सुनाई कराते रहेंगे। मेरी जमात मुझे एक साथ कहे यार तू आखिर नवाब बदल में फुल्ला खान बन गया फुल्ला कराते कराते।